जब से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आए हैं तब से पाकिस्तान की फौज की इज्जत ना तो उनके देश के अंदर है ना ही विदेश के अंदर। और बेचारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ बाजवा हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि धरती के किस कोने में जाकर वो अपने जिंदगी को जिए। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जड़े अफगानियों के धक्के। पुलिस तो बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद भी बादी अपने खून का नजराना पेश किया। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। ये वही आर्मी चीफ है जो चंद महीने पहले तक पूरे पाकिस्तान में आतंक मचा रखा था, 22 करोड़ आवाम को डरा के रखा था, ना जाने कितने सैकड़ों अफगानियों के, पश्तूनों के, बलोचों के खून से हाथ रंगे हुए हैं। और आज आप देखो इतना पैसा कमा लिया इस व्यक्ति ने, कम से कम ये 50 बिलियन डॉलर का मालिक होगा ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति क्या, ये इज्जत है इसकी? खुले आम इसको मुंह पे लोग ऐसे गालियां दे करके जा रहे हैं, मुंह पर लोग इसकी बेइज्जती करके जा रहे हैं। तो ये एक मतलब सोच के लगता है 50 बिलियन डॉलर के मालिक। स्वाभाविक सी बात है ये अनऑफिशियल वेल्थ है, पूरे परिवार में बटी हुई है। अगर वैसे होता तो ये विश्व के टॉप 10 लोगों में आता होता, अमीर लोगों में टॉप 10 लोगों में आता होता अगर ये अपनी वेल्थ पूरी शो कर दे अकेले एक आदमी की तो। लेकिन उसको वो सब कुछ कर दिया, एसेट में इधर उधर फंसा दिया, इसलिए दिखता नहीं। पर इतना अमीर आदमी होने के बाद भी, इतना मजबूत आदमी, इतना आतंक मचाने के वाले आदमी के बाद भी ये इज्जत रह जाए तो आम पाकिस्तानी की तो क्या ही दुनिया भर में आप अंदाजा लगाओ। इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से, कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। अफगानियों ने पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ को भी नहीं छोड़ा है और अब इन सिचुएशनों के बीच पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार हमें तो अफगानिस्तान के ऑफिशियलों को तलब करना चाहिए और ये मुद्दा डिप्लोमेटिक तरीके से उठाना चाहिए। अब भैया बाजवा साहब तो अब आर्मी चीफ नहीं रहे हैं, उन्हें तो सोच समझ कर जाना चाहिए। वो एजुकेशन ना काफी है, वो फॉल्टी है एट बेस्ट। ये इनके वजीर तालीम का बयान है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है। अफगानियों ने भी मोर्चा छेड़ दिया है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। पाकिस्तान की फौज बेचारी करे तो करे क्या दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ, जो कि आर्मी चीफ अब नहीं रह चुके हैं, उनका नाम है कमर जावेद बाजवा। ये बेसिकली अपने पाकिस्तान से निकलकर फ्रांस के अंदर घूमने जाते हैं। जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है, बगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। उस वक्त ये स्पीच कर रहा था कि पाकिस्तान आर्मी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खा गई है हमारी, इनके हॉस्पिटल अलग हैं, आम हॉस्पिटल के, आम आदमी के हॉस्पिटल अलग हैं, इन्होंने आज तक एक जंग नहीं जीती, ये सिर्फ अपने लोगों को मारते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल बता रहा था। 2005 तक अगर ये खाली हिसाब किताब ले ले, आर्मी का अकाउंटेबिलिटी कर ले, उनके ऊपर केसेस बनाए तो काफ़ी काम हो सकता है। लेकिन इतनी मजाल है नहीं कि आज ख्वाजा आसिफ भी पाकिस्तान आर्मी से सेटिंग करके ही सरकार में आए हैं। पाकिस्तान में आर्मी की मर्ज़ी के बगैर एक चपड़ासी नहीं लग सकता। आप यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौजें जब आई थी तो पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल करके ही अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन चलते थे। अफगानिस्तान की हालात दूभर हो गई और दूभर
हालातों के बीच बेचारे लोगों को देश छोड़ना पड़ा और बेचारे माइग्रेंट बनकर आज फ्रांस के अंदर, कभी ऑस्ट्रिया के अंदर, यूके के अंदर, जर्मनी, डेनमार्क के अंदर धक्के खा रहे हैं मौसम का और गोरे लोगों का और वहां के फूड का एंजॉय कर रहे थे बाजवा साहब। लेकिन एक अफगानी की नजर बाजवा साहब के ऊपर पड़ गई और उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि तुम वही आर्मी चीफ हो ना पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के अंदर जिहाद करवा रहा था। तो फिर क्या दोस्तों, वो अफगानी तो छिड़ गया। उसको बाजवा साहब ने बहुत समझाया कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं रहा हूँ। तो इसके बाद वो रुका नहीं, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरी वीडियो ना बनाए नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई ख्वाजा आसिफ जैसे आदमी बात भी कर सके आर्मी के खिलाफ? आज यहाँ पे पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि डिड यू नो पाकिस्तान हैज द वर्ल्ड्स सेवंथ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की पांचवीं आबादी के लिहाज से शायद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का पांचवां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसके आप $500 मिलियन भी दे सकता है किसी वक्त भी, लेकिन सऊदी अरब इस तरह चोरी का बम आपसे नहीं खरीदेगा। और तुर्की 25 लाख डॉलर देने की पोजीशन में नहीं। तुर्की में भूखों मर रहे हैं लोग, तुर्की में तो खाने को पैसा नहीं है, वहाँ पे तो इन्फ्लेशन टॉप पे जा रहा है, तुर्की लीरा ज़मीन पे लगा हुआ है। उनका पाकिस्तान जैसा ही हाल हो गया, क्योंकि वो भी इस्लामिक हिसाब में चल रहा है। सिविल जस्टिस जुडिशरी के मामले में आप 150 नंबर पे हैं, तो आपको इस बात पे बिल्कुल फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि आपकी आर्मी दुनिया की 7वीं स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। आर्मी में ऐसे जाहिल भरे गए हैं, ये आपका जैद हामिद है जो आर्मी का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ये कहता है कि हमने चोरी करके, स्मगल करके, इंटरनेशनल लॉ को बाईपास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, धमाका कर दिया एटमी, तो हमें भी एटम बम चलाना है। तो वो अब्दुल कदीर खान चोरी और स्मगल करके वहाँ से एटम बम का सारा हिसाब किताब लाया था। तो ये कहता है कि हमने चोरी करके, स्मगल करके, इंटरनेशनल लॉ को बाईपास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। सऊदी अरब को आज आप 5 बम एटम बम बेच दें, 1 घंटे में सऊदी अरब $25 बिलियन दे देगा। के ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है, मशरक किस चीज की? वो गजवा हिंद की खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गजवा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गजवा हिंद हमारी जिंदगियों में आए, हमारी जिंदगियों में आएगा तो हम अपने नबी की सुन्नत का अमल करते हुए इंशाल्लाह कुफार की ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ेंगे। जब कोई पैसा बहुत कमा ले लेकिन इज्जत ना कमाए, बल्कि इज्जत कमा क्या पाए, नॉर्मल भी क्या है, बेइज्जती कमा ले, उसकी ऐसी ही हालत होती नजर आती। मतलब मुंह पे एक तरफ ये आदमी है जिसको पाकिस्तान के हिसाब से 6 सालों में $36 बिलियन का घपला करके भागा। मैं मान लेता हूँ कम से कम इसकी नेटवर्थ $50 बिलियन तो होगी, गिरी से गिरी हालत में टोटल इसका जीवन का जोड़ लो तो $50 बिलियन के आसपास जिसकी नेटवर्थ है। वो व्यक्ति को ऐसे सब खुलेआम बैठा है, वो व्यक्ति जिसने ना जाने कितने लोगों का कत्ल किया है, वो व्यक्ति जिसने ना जाने कितने अफगानों का, पाकिस्तान के अंदर बलोचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का, केप कश्मीरियों का कत्ल किया है, करवाया है, वो व्यक्ति आज ऐसे बैठा है, उसको मुंह पे गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही, मुंह पे उसको ऐसे ऐसे गालियाँ दी जा रही हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या इज्जत रह जाती है समाज में। पाकिस्तानी, कुछ एक पाकिस्तानी 22 करोड़ में से कुछ एक 2200 ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो 2200 ने इतना पैसा कमाने के बाद भी इज्जत नहीं कमाई। एक सामान्य भारतीय भी विश्व में कहीं पर भी जाए तो थोड़ा बहुत उसको इज्जत से देखा जाता है। कहीं पर भी कोई भी, विशेष तौर पर अफगानी लोगों को, जितना मैंने सुना है लोगों से, जितना मैंने और देखा है कि दुनिया भर में कहीं पर भी कोई अफगानी मिलता है भारतीयों से तो एक अच्छे नज़र से देखता है। जो आम अफगानी जिनका तालिबान वगैरह से कोई लेन देन नहीं है, वो भारत को एक अच्छा फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखते हैं। और सिर्फ अफगानियों की नहीं है, दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ के लोकल लोग जो हैं भारत को बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखते हैं। तुर्की में भी मैंने आपको बताया था, भले ही जो भी अर्दोगान जीतता रहे, अर्दोगान जो भी बोलता रहे, लेकिन वहाँ की पब्लिक में भूकंप के बाद से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको भूकंप में जिस तरीके से भारत ने मदद की तो वो लोग भारत को अच्छा समझते हैं आम पब्लिक में, ऐसे दुनिया भर में। और एक इनकी आप इज्जत देख लो,
यदि आपको याद हो पिछले साल 2022 में एक दुबई के अंदर एक मैच हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, यहाँ पे उस मैच में अफगानिस्तान हार गया था, लेकिन अफगानी और जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे दोनों के बीच में धक्कम फेल दे दनादन जो है वो स्टेडियम के बीच में भी लड़ाई हुई, स्टेडियम के बाहर भी लड़ाई हुई, बहुत हुआ था। अब इसी से बंदा लगा लो बेचारा व्यक्ति जो जिसने दुनिया में जिसका इतना आतंक मचाया है, जिसने अपनी पूरी उम्र भर, वो कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बना दूंगा। तो ये इज्जत है जो बार बार घूम फिर के पाकिस्तानियों के आ जाती, क्या ज़िंदगी है ये? मैं सही में समझता हूँ क्या ज़िंदगी है। नवाज़ शरीफ, आप देखो लंदन में, मैंने तो अभी आपको 10-12 दिन पहले खबर बताई थी, लंदन में आकर के लोग जो है उसको हमला करके उसके ऊपर चले गए, और अमूमन जो उसका घर है उसके बाहर लोग काले झंडे, पाकिस्तानी ही काले झंडे लेकर के पीटीआई वाले खड़े रहते हैं। जो इमरान खान की पत्नी है जो लंदन में रहती है, उनके बच्चे वहाँ, उसके बाहर पीपल जो नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले काले झंडे ले खड़े रहते हैं। आपको याद हो नवाज शरीफ ये सब लोग, शहबाज शरीफ वगैरह लोग गए थे सऊदी अरब, वहाँ पे चोर 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 है अगर नारा लग रहे थे। तो दुनिया भर में ये इज्जत है इस कौम की, इस कौम के अरबपति खरबपतियों की, जो सबसे अमीर लोग उनकी इज्जत है। तो आम पाकिस्तान का क्या होगा आप अंदाज़ा लगा लें।